नमस्कार दोस्तों दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑनलाइन वैकेंसी निकली हुई है। लगभग 200 पदों पर ये वैकेंसी है, जिसके लिए 10वीं पास, 12वीं पास और डिप्लोमा होल्डर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर बताऊंगा, एज लिमिट के बारे में बताऊंगा, सैलरी क्या रहेगी और आवेदन कब तक आपको करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों बने रहे, पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी की अपडेट आपके मोबाइल पर भी पाना चाहते हैं तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, नियो वर्ल्ड टेक आपको गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने सरकारी नौकरी फ्री गवर्नमेंट जॉब के नाम से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, जब भी हम कोई नई अपडेट डालेंगे रिक्रूटमेंट की वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पास के इस बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पर 186 पदों पर ये वैकेंसी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क है, और एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट्स और एक्स सोल्जर के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं है। और पेमेंट मोड की बात करते हैं तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है आपका, ठीक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आवेदन जो स्टार्ट होने वाले हैं वो है 16 जून से। जी हाँ दोस्तों, 16 जून से आप आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो आप आवेदन कर दीजिएगा। और यहाँ पर लास्ट डेट है 15 जुलाई, 15 जुलाई इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। और एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम अगर आप 18 साल के हैं तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, और मैक्सिमम आपकी 30 साल की अगर उम्र है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन जो कि एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स जिनको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं 12वीं और डिप्लोमा होल्डर इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन का लिंक, अप्लाई ऑनलाइन का और ऑफिशियल वेबसाइट का तीनों का लिंक मिल जाएगा, और हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसा मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए दो पोस्ट के लिए यहां पर टोटल वैकेंसी है, और जूनियर असिस्टेंट में यहां पर 147 पद हैं और सीनियर असिस्टेंट के लिए 39 पद हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड कर रखी है। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की सैलरी, तो यहां पर 12,500 से लेकर के 28,500 रुपए तक की आपकी सैलरी रहेगी, और सीनियर असिस्टेंट में यहां पर 14,500 से 33,500 तक की आपकी सैलरी रहेगी। आगे चलते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। एज लिमिट के बारे में यहां पर बताया गया है, और एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहां पर मेंशन किया है, और यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन किया गया है, 10वीं पास, डिप्लोमा होल्डर, 12वीं पास के लिए कितने परसेंटेज होना जरूरी है, और यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी बताया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पर फिजिक गुड के लिए, यहां पर आपकी आई साइट के बारे में मेंशन किया है कि आपकी 6x6 आई साइट होनी चाहिए, विजन आपका क्या होना चाहिए वो यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपको हाइट को लेकर के यहां पर मेंशन किया है, और चेस्ट को लेकर के कि मेन के लिए 167 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है, और वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना कंपलसरी है। और यहां पर चेस्ट के बारे में मेंशन किया गया है, जो आप देख सकते हैं यहां पर मेन के लिए है इंपॉर्टेंट, बाकी वुमेन के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, ठीक है दोस्तों। यहां पर 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मली चेस्ट होना चाहिए, और एक्सपेंशन करने पर आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है मिनिमम, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं वेट आपका 55 केजी फॉर मेन के लिए है और 45 केजी फॉर वुमेन के लिए है, ठीक है। हियरिंग के बारे में नॉर्मल है, स्पीच के बारे में यहां पर नॉर्मल दिया गया है, और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में यहां पर पूरा मेंशन किया गया कि आपकी नॉक नीज, बाउल एग्स, जो सारी की सारी यहां पर मेंशन की गई है, जो आप इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और यहां पर आप आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहां पर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि होगा 2 घंटे के लिए आपका होगा, ठीक है दोस्तों। 2 घंटे का आपका सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं, 25-25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। 10th लेवल का आपका एग्जाम होगा, यहाँ पर बेसिक अर्थमेटिक आएगी, बेसिक साइंस, एलिमेंट्री इंग्लिश, ग्रामर आएगी, और 12th लेवल के एग्जाम में जनरल नॉलेज, टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट स्टेज का एग्जाम था, और सेकंड स्टेज में भी आपके यहाँ पर जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, ठीक है दोस्तों, जिसमें आप देखते हैं यहाँ पर आपको दौड़ना पड़ेगा, 100 मीटर की दौड़ होगी, आपको रस्सी चढ़ना पड़ेगा, और पॉल क्लाइंबिंग होगी, 60 मीटर रनिंग विद ह्यूमन डमी के साथ होगा, फुल लेडर क्लाइंबिंग होगी। तो ये आप प्लीज नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ रखें, फिर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करें। यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस भी दे रखा है, और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको आवेदन कैसे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रिक्रूटमेंट की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।